सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वी विल टॉक अबाउट 11 थिंग्स टू डू इफ यू आर कैट रिपीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। एंड उसके लिए आप मैं कहूँगा कि यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, क्या कहते हैं उसको, फ्लैश कार्ड्स में, तो उसको देख लेना, ऑल इन्फो वाली वीडियो। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहली तो एक रिपीटर को ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। दे आर मोर देन 15 एग्ज़ाम्स फॉर एम बी ए एग्ज़ाम, सिर्फ एम बी ए के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ एम बी ए के लिए कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए कौन सा बेस्ट है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से कितने एग्ज़ाम होते हैं। अगर उसको यही नहीं बताना तो आप रिपीटर ही नहीं हो, यू आर अ न्यू कमर। ओके, अब दूसरी चीज़, एक रिपीटर की पहली गलती क्या होती है, वो कभी मॉक्स नहीं देता टाइम पे और उनको एनालाइज नहीं करता। सो मेक श्योर इस बार ही ना हो, मॉक्स दो, एनालाइज करो, एनालाइज में गलतियाँ पकड़ो। मैंने 8 थिंग्स नॉट टू डू वाली में बताया भी था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। मॉक्स के अंदर अगर मैं ऋषभ भूषण मुझे आता है और जब मैंने मॉक दिया उसके अंदर ऋषभ भूषण का क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो चीज़ देखो, ये नहीं देखो कि मेरी पर्सेंटेज कितनी आई है, वो मैटर नहीं करती ज़्यादा, मैटर ये करता है कि आपका क्या, आपने क्या करा और क्या गलत हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ पे फोकस करना रादर देन कि आप किसी और चीज़ पे फोकस करो। देन द थर्ड थिंग इज आई विल से लाइक चूज द फेवरेट एग्जाम, चूज द फेवरेट एग्जाम। अब चूज फेवरेट एग्जाम का मतलब क्या है कि देर आर 15 एग्जाम, जैसे मैंने बताया मोर देन 15 है, बट आपका भी तो कोई एक होगा जिसके अंदर आपको लगेगा कि यार ये मैं निकाल सकता हूँ, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा का मतलब कि आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, बाकी सारे एग्ज़ाम्स दो, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट ही बन जाता है। गिव ऑल एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट सम, एक्सेप्ट मैंने लगाया साथ में कि सारे दो बट कुछ नहीं। अब आपको पता होगा कि आपको कौन से नहीं देने हैं। अगर मैं एक नॉर्मल एवरेज की बात करूं तो मैक्सिमम वो लोग आईएफटी नहीं देते हैं रिपीटर में, कभी भी नहीं देंगे वो आईएफटी वाला एग्ज़ाम, बिकॉज आईएफटी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैट नहीं देते हैं लोग, ठीक है, सो आईएफटी और जैट ये वाले एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो अगर आपको वैसे छोड़ने तो छोड़ दो, बट मेजरली जितने भी होते हैं सारे दे देना, ठीक है। इरमा सेट नहीं देते लोग, पता ही नहीं होता इरमा सेट होता क्या, बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होता, ठीक है। तो मेक श्योर एग्ज़ाम सारे दो, और जो आपको लगता है कि नहीं निकलेंगे मत दो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन फिफ्थ इज योर फॉर्म फिलिंग। अगर आप रिपीटर हो तो मेक श्योर कि फॉर्म जिस दिन निकले उस दिन भर दो, क्योंकि आपको भी पता है भाई कैट के अंदर क्या हाल होता है, लोग दिल्ली से करनाल जा रहे होते हैं सिर्फ कैट के एग्ज़ाम देने, क्यों, क्योंकि वो लास्ट डेट पे भरते हैं या थोड़े अर्न में आके भरते हैं। अगर सीट पहली चाहिए तो फॉर्म पहले भर दो, जिस दिन आए उस दिन भर दो, ठीक है, वेट मत करो 10 दिन का, मतलब एक बार बताओ, एक महीने की डेट मिलती है कि एक महीने की विंडो होती है, आप सोचते हो कि मैं एक महीने बाद भरूँ, एक महीने का ब्याज कितना होता है, 1000 रुपये पे ब्याज लगाओ, या 2000 का भी फॉर्म है तो 2000 रुपये ब्याज लगा लो, एक महीने का कितना बनेगा, ठीक है। लेट्स से कि सबसे ज़्यादा बैंक आपको 7% देता है इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, अब पूछेंगे 7% कौन सा, तो डीजी बैंक देता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से लगाओगे तो ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट बनता है, उसको सेव ना करके इनको भर दो ताकि आपको सीट ज़्यादा अच्छी मिल जाए, ठीक है। देन वी विल गो फॉर सिक्स्थ इज़ योर ज्वाइन एन एनजीओ। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब मेक श्योर यू ज्वाइन एन एनजीओ। अब इसमें गलतियाँ कर देते हैं लोग, ज्वाइन कौन सा करना है, एनजीओ सैटरडे संडे वाला, ठीक है, या फिर संडे संडे वाला, ऐसा नहीं है कि पूरा चल रहा है आपको फोन करके बुलाया जा रहा है बुलाया जा रहा है, भाई करोगे तो पढ़ोगे कब, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर आप जो ज्वाइन कर रहे हो सैटरडे संडे का ही हो, क्योंकि उस दिन ऐसे बंदे को भागने का मन करता है तो आप वैसे ही बाहर चले जाओगे, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर भी रहे हो, सो इट्स बेटर थिंग कि आप वो वाला ज्वाइन करो जो सैटरडे संडे का हो, ठीक है। और एक मेक श्योर अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो और फिर एनजीओ ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा मीन हो जाएगा, बट मेक श्योर आपको सर्टिफिकेट दे, वो उनसे पहले ही पूछना कि सर्टिफिकेट दोगे तब करना, ठीक है। एंड साथ के साथ इसके साथ एक 7th पॉइंट एक और जो जाता है, कोर्सेज, एडिशनल कोर्सेज करने हैं। अब ये कौन से करने हैं, उडमी से कर लो या फिर कॉर्सेरा से कर लो, और एक एक्स करके कुछ वेबसाइट आती है जहाँ पे हार्वर्ड ये सब के हैं, ठीक है, इन सब की यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, वो आपसे लिटिल फी चार्ज करते हैं, समवेयर अराउंड लेट्स से 3000 मैक्स टू मैक्स 5000, बट उनके कोर्सेज वैल्यूबल है, उनके कोर्सेज की वैल्यू होती है, आप उनके नाम लोगे तो
नाम चलता है उनका, ठीक है, सिंपल एज दैट, अगर मैं रफ लैंग्वेज बात करूँ. सो मेक श्योर उनके कोर्सेज करो. अब कोर्सेज में भी गलती करते थे लोग, भाई अगर आपकी लाइन डिजिटल मार्केटिंग की है, आपको बिजनेस एनालिसिस का कोर्स करके कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के हो तो SEO का कुछ कोर्स करना, अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो बिजनेस एनालिसिस का कोर्स करना, मतलब वैसे में, ठीक है, अपने इंटरेस्ट वाला, ये नहीं कि वो सस्ता मिल रहा तो वो कर दिया, डोंट डू दैट, वरना एक्सप्लेनेशन में मतलब लग जाएगी जब आप एक्सप्लेन करोगे कि मैंने कोर्स किया क्यों था और आपने क्या लर्न किया, आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है, तो ये गलती मत करना. देन द 8th थिंग इज मोटिवेशन. मोटिवेशन बहुत लोग हार जाते हैं और फिर टुच्चे से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं. अगर आप रिपीटर आपने सोच लिया, रिपीटर कब सोचता है पहली बार, अब व्हेन यू विल गेट टू नो कि मैं रिपीटर हूँ, जिस दिन ही कैट का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन तो पक्का, उससे पहले भी काफ़ी लोग बदल जाते हैं, जैसे वो कैट देख के आते हैं कि यार ये तो ऐसे चला गया, मैं अगले साल दोबारा दूंगा, जैसे ही पता लग जाए बस इसमें इस चीज़ का दिमाग में डाल लेना कि अब मैंने किसी भी कॉलेज में जाना नहीं, वरना फिर वो टुच्चे टुच्चे कॉलेज की बात, लाइक अब मैं किसी भी नाम लूंगा नहीं, वरना कुछ लोग तो इमोशन हर्ट हो जाते हैं, हमारे कॉलेज को कैसे टुच्चा कह दिया, मतलब है तो टुच्चा है. सो मेक श्योर अपना मोटिवेशन कायम रखना, अगर आपने सोचा है रिपीटर तो मेक श्योर आप किसी भी टुच्चे कॉलेज में मत जाओ, ठीक है, एंड तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलेंगे रिपीटर रिपीटर हूँ पर मार्च जून तक आते ही उनका मन बदल जाता है और वो चले जाते हैं, ठीक है, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं. सो डोंट डू दैट, इफ यू आर थिंकिंग यू आर रिपीटर, डोंट ज्वाइन एनी कॉलेज. अगर घर वाले फोर्स कर रहे हैं तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, फिर आपके मोटिवेशन की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. देन 9th पॉइंट इज आई विल से सिलेबस कंप्लीशन. सिलेबस आपका सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए? सिलेबस आपका हो जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स अगस्त तक. अब आपको पता है कि सितंबर में आप एक लाइक अगस्त की स्टार्टिंग तक हो जाना चाहिए इफ़ यू आर रिपीटर. हाँ, आपकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर टाइम लग रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आप खुद से, क्योंकि देखो अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अब अगर रिपीटर हो, दोबारा कहीं से पढ़ रहे हो पर रिपीटर हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें तो आती होंगी, तो थोड़ा अपनी उनसे आगे चलने की कोशिश करो कि अगर वो जो पढ़ा रहे हैं आपको आते पहले से आता है तो आप प्रैक्टिस करके उससे आगे चले जाओ. और अगस्त तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, अगस्त के मिड तक कह सकता हूँ, क्योंकि अक्टूबर में तो यार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, 5 अक्टूबर को तो NMAT स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. सो मेक श्योर आप अगस्त तक सारा कुछ काम खत्म करके नबेड़ के बैठ जाओ, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो सारे एग्जाम्स के लिए, मतलब अपनी अप्रोच शुरू कर दो कि यार अब NMAT आ रहा है अगले महीने, मैंने NMAT के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, अब कैट आ रहा है कैट के लिए कैट के अकॉर्डिंग करनी है, स्नैप आ रहा है स्नैप के अकॉर्डिंग करनी है, ऐसे, ठीक है. देन 10th इज योर लाइक आई विल से डू द अर्थमेटिक फर्स्ट. सारी की सारी अर्थमेटिक पहले कर लेना, यहाँ पे आएगा नहीं, चलो समझ तो गई होगी, अर्थमेटिक करना, ठीक है. बहुत लोग हो जाते हैं ज्योमेट्री करेंगे पहले, नंबर सिस्टम करेंगे, नंबर सिस्टम नहीं आता अर्थमेटिक में, ठीक है, मतलब आता है वैसे पार्ट बट नंबर सिस्टम इज अ होल कॉन्सेप्ट. अर्थमेटिक के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो पोर्शन ऐसे वाले चैप्टर पहले वो करो, ठीक है, अपने दिमाग में बिठाओ, नंबर सिस्टम इज नथिंग, नंबर सिस्टम बहुत कम हो गया सारे एग्जाम्स में, बहुत छोटा छोटा आता है, पहले नंबर सिस्टम मत चाटने लग जाना. नंबर सिस्टम की मैं एक वीडियो बना देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबको सीखने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है सर उस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं रेशियो क्वेश्चन के इंटीजर निकालो, अब मुझे पता नहीं इंटीजर है तो नहीं, मैं कैसे करूँ, बहुत लोगों की ये आती है मुझे कोई कि आपने रेशियो क्वेश्चन पढ़वा दिया पहले, पहले नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए था, इंटीजर ही नहीं पता, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंटीजर क्या होता है, आपको इरेशनल रैशनल आयोटा एंड ऑल दैट इमेजिनरी नंबर ये सब क्या है, ठीक है, कैसे इनकी चेन है, क्या है, इनका ट्री है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो नंबर सिस्टम में आपको पढ़नी चाहिए सबसे पहले कैट के लिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है. सो डू दी अर्थमेटिक. एंड 11th थिंग इज मेक श्योर यू रीड. रीड वॉट? GK के लिए भी हो जाएगा और प्लस इंग्लिश के लिए भी हो जाएगा. आर्टिकल्स आर्टिकल्स डेली आर्टिकल्स पढ़ो GK के जितने, मतलब मिनिमम 5 तो पढ़े ही पढ़ो, न्यूज़ जितनी भी आती है डेली की हर रोज़ पढ़ो, चार्ट डालो, इंश्योर्स डाल के रखो फोन के अंदर, बड़ी अच्छी ऐप है, अगर आप देख रहे हो वो जिन्होंने बनाई है वो भी आई एम अहमदाबाद से ही है, ठीक है, एंड ही इज़ माई फ्रेंड लिस्ट समथिंग, नाम याद नहीं आ रहा बट इज़ अ ग्रेट गाय. सो मेक श्योर इन शॉर्ट्स को पढ़ो, ठीक है, एंड बाकी लंबे लंबे आर्टिकल्स और पढ़ने की कोशिश करो, अगर इन शॉर्ट्स आपके पास टाइम ही नहीं है तो इन शॉर्ट्स ही पढ़ लो, अगर टाइम है तो मेक श्योर थोड़े लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ो. एंड 12th कर लेते हैं, एक बोनस चीज़ कर लेते हैं यार, कि मतलब मेक श्योर यू रीड वो कैप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो लोग छोड़ देते हैं एंड तक, लाइक रिपीटर बहुत मिस कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, वो कैप ज़रूर पढ़ना, वो कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है,
अब ऐसे नहीं आएगी, बट अगर आपको मैं बोल दूं कि एक आरसी है, ये पूरा पैरा है, अब उसके अंदर कौन सा वर्ड, द डोर वॉज अजार, इसका मतलब क्या है? द डोर वॉज स्लाइटली ओपन, इसका मतलब ये है, ठीक है? सो अगर अजार का मतलब समझ नहीं आता तो आपको लाइन समझ नहीं आएगी ना पूरी, तो क्वेश्चन होगा नहीं नीचे, जो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि लाइन समझ आई नहीं, वर्ड समझ आया नहीं, मार्क गलत करोगे, गलत हो गया। सो इसलिए वो कैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो मेक श्योर यू डू दी वो कैब। और यहाँ तक आए थे तो लास्ट पॉइंट तो पता लग ही गया होगा, इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा भी नहीं, ठीक है? सो दीज आर दी सम लाइक से 12 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इफ यू आर अ कैट रिपीटर, ठीक है? एंड हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द MBA एग्जाम्स, और ऑल इन्फो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, सारे एग्जाम्स के बारे में बता रखा है कि कौन से एग्जाम क्या होता है, कितना है, क्या नहीं होता, उसके अंदर क्या एडिशनल चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? उसको भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मेक श्योर हर ग्रुप पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे जहाँ पे जब भी आप चाहते हो, ठीक है? स्टेटस में डालो, मैं स्टेटस देखता हूँ सबके, ठीक है? तो स्टेटस में भी डाल देना अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है और आप लाइक वी आर फ्रेंड समथिंग, ठीक है? एंड कमेंट डाउन बिलो फिनिशन क्वेरी एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।